हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सोनीज ब्लॉग्स। तो हमने बनाई थी दिवाली पे बेसन की चक्की, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो क्यों ना आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले लिया है आधा किलो बेसन। इसको एकदम बढ़िया से छलनी में से छान लिया है। और अभी ये मैंने घी और दूध लिया है मिक्स, लगभग एक कटोरी। अगर कम लगे तो हम बाद में और मिला लेंगे। इसको बेसन में मिला के अच्छे से हाथों से एकदम रगड़ना है, ताकि बेसन की जो गुठलियाँ हैं, जो कि घी और दूध से गाढ़ा हो जाता है बेसन, तो उसको एकदम हाथों से मसल कर एकदम दानेदार करना है। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल एकदम जमा देना है हमको। और अभी हम एक बड़ी मोटी जो है वो छलनी लेंगे, और इसको बेसन को इस तरह से हम इसमें छान लेंगे, ताकि एकदम बड़ा बड़ा दाना है जो बेसन का हो जाएगा। इसे हम राजस्थानी में मोगरी पाड़ना कहते हैं। तो ये मोगरी होगी हमारी रेडी। अभी हमने लिया है घी, कढ़ाई रखकर घी लिया है हमने पाव से डेढ़ पाव, और हम इसमें ये मोगरी डाल के एकदम बढ़िया सा इसको सेक लेंगे। ये मोगरी अभी हमें थोड़ी सी क्रीम कलर की दिखाई दे रही है। हमें इसको जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, एकदम सिक ना जाए, तब तक हमें इसको चलाते रहना है। मीडियम फ्लेम पे हमें गैस रखना है, और हमें इस तरह से लगभग हमें इसको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। 15 से 20 मिनट में ये हमारा जो बेसन की मोगरी है वो एकदम अच्छे से दानेदार हो जाएगी और एकदम से बढ़िया सिक जाएगी। ये मोगरी हमारी सिक रही है, तो हम इसके साथ ही चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी के लिए मैंने लिया है आधा किलो शक्कर और एक गिलास पानी। हमें जो है वो दो तार की चाशनी तैयार करनी है। ऊपर जो झाग आ जाए चाशनी पे, वो हमें बाहर निकाल लेना है, ताकि चाशनी एकदम प्योर बन जाएगी। और हमें साइड में ये बेसन को भी हिलाते रहना है। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद में देखिए, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। बेसन की चक्की जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, दिवाली पे हमने बनाई थी। तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी रेसिपी शेयर की जाए। तो बेसन पूरी तरह सिक जाने के बाद हमने इसमें मिलाया है डेढ़ पाव मावा, जिसको कि हम किट्टी भी बोलते हैं, फीका मावा भी बोलते हैं। ये फीका मावा है, जो कि मिठाइयों में अक्सर हलवाई यूज़ में लेते हैं। मावा मिलाने से जो है वो एकदम चक्की एकदम सॉफ्ट बनेगी। ये मावा अभी हमने मावा भी अच्छी तरह से सेक लिया है। अभी ये हमारा बिल्कुल ब्राउन कलर की हो गई है मोगरी, आप देख सकते हैं। तो हमने इसमें दो तार की चाशनी जो हमारी तैयार हो गई थी, वो हमने अभी इसमें ऐड कर दी है। थोड़ी थोड़ी सी चाशनी डाल के हमें हिलाते रहना है, ताकि एकदम पेस्ट जो है वो, अगर हमारी चाशनी गलती से ज़्यादा भी बन गई हो, तो थोड़ी थोड़ी डालने से ये होता है, हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि चाशनी कितनी डालनी है। तो हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट बनी थी, तो हमने पूरी डाल दी और इस तरह से पेस्ट बन गया। अभी मैंने थाली में जो है वो घी लगा के एकदम चिकना कर लिया है, ताकि पेस्ट जो है वो थाली से चिपके नहीं और चक्की एकदम से बढ़िया बने। इस तरह से थाली में ये पूरा पेस्ट डाल के, और थाली को जो है वो इस तरह से हमें 2-3 बार पटकना है, ताकि एकदम एक सार हो जाए हमारा पेस्ट और चक्की जो है वो अच्छी तरह से जम जाए। चक्की अभी लगभग 15 से 20 मिनट बाद हमारी वो पेस्ट ठंडा हो गया है, चक्की जमने लगे हैं। तो हमने इस पर काजू और पिस्ता की कतरन छिड़क दी हैं, और मैं डेकोरेट कर रही हूँ चांदी के बर्क के साथ। और ये हमारी चक्की हो गई एकदम बढ़िया सी रेडी, और बिल्कुल दानेदार और एकदम स्वादिष्ट। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैं तोड़ के बता रही हूँ, एकदम मुलायम सॉफ्ट बनी थी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।